दिस इज योर सेवेंथ वीक लेक्चर। और इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? इन दिस वीक वी वांट टू स्टडी दैट व्हाट इज सुपर नोड एंड हाउ यू विल सॉल्व द सुपर नोड इक्वेशंस सर्किट्स इन व्हाट इन एसी सर्किट एनालिसिस। ठीक है, हाउ यू विल सॉल्व द एसी सर्किट एनालिसिस क्वेश्चंस। वो सर्किट जिसमें एसी सोर्सेस हो, सो इसकी सर्किट्स को आप कैसे इन द फॉर्म ऑफ सुपर नोड सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने सुपर नोड शायद पढ़ा होगा फर्स्ट सेमेस्टर में, तो उसमें आप जस्ट डीसी सर्किट्स को सॉल्व करती थी। इधर हम क्या करते हैं, एसी सर्किट्स को सॉल्व करते कि दैट हाउ यू विल सॉल्व द एसी सर्किट। इसके अलावा ये कि फॉर एग्जाम्पल अगर किसी आपको मैंने कहा कि आप अच्छे किस्म की आपने कैलकुलेटर को अपने साथ रखने, लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऑनलाइन क्लासेस तक महदूद रहे हैं, तो आप इस तरह करें कि अच्छे किस्म की कैलकुलेटर को डाउनलोड करें। मैंने अपने लिए डाउनलोड किया, तो इसे मुझे बहुत आसानी है, या आपके सर्किट्स बहुत आसान से वो सॉल्व करते, तो आप एक एडवांस वर्जन वाली साइंटिफिक कैलकुलेटर को डाउनलोड करें। लेट स्टार्ट दैट व्हाट इज सुपर नोड। तो सुपर नोड वो नोड को सुपर नोड हम कहते हैं कि जब दो नोड के दरमियान डायरेक्ट वोल्टेज सोर्स आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, ये एक सर्किट है, दिस इज नोड वन एंड दिस इज नोड टू, एंड बिटवीन टू नोड देयर इज अ वोल्टेज सोर्स। ये इसके दरमियान डायरेक्टली वोल्टेज सोर्स है, सो इस किस्म के सर्किट को हम कहते हैं सुपर नोड। हाउ यू विल सॉल्व दिस? फॉर एग्जाम्पल, अगर ये आपको नजर नहीं आ रहा, सो ये भी आपको एक सुपर नोड है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज सुपर नोड, दिस इज नोड वन, दिस इज नोड टू, एंड बिटवीन नोड वन एंड नोड टू देयर इज अ वोल्टेज सोर्स। ठीक है, समझ आ गया? फॉर एग्जाम्पल, सो अभी हाउ यू विल सॉल्व दिस अप्लाइंग केसीएल ऑन सुपर नोड। आपने सुपर नोड पर भी केसीएल अप्लाई करना है, एंड केसीएल ऑन ऑल अदर नोड्स, दूसरे नोड पर भी केसीएल अप्लाई करें, लास्ट में क्या करें, एंड केवीएल ऑन द सुपर नोड। सुपर नोड पर आपने केवीएल भी यूज अप्लाई करना है। ये प्रोसेस सारी केसीएल की रहती है, इसमें केवीएल नहीं आनी चाहिए, लेकिन इन फॉर्म ऑफ सुपर नोड आपको केसीएल केवीएल के साथ साथ आपने आपने केसीएल के साथ साथ केवीएल भी अप्लाई करने है। फॉर एग्जाम्पल, कंप्यूट द वोल्टेज V1 एंड V2 इन द सर्किट गिवन बिलो। ये आपके साथ एक सर्किट नजर आ रहा है, आप क्या करिए, इस सर्किट के लिए V1 और V2 फाइंड करिए, ये वोल्टेज और ये वोल्टेज आप क्या करिए, फाइंड करिए। सो अगर आपको प्रीवियस क्लास मालूम है, तो हमने ये कहा था कि आप जिस नोड पे भी हो, तो आप क्या करिए, सारी करंट्स को लीविंग कंसिडर करिए, दिस नोड इस और अगर इस नोड पे, तो ये करंट और ये करंट आप लीविंग कंसिडर करिए। और याद रखिए कि पैरेलल में आप इस रेजिस्टेंस को क्या करें, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसको आप क्या करें, रिमूव करें। व्हेन देयर इज अ सुपर नोड, सुपर नोड में वोल्टेज सोर्स के पैरेलल जो रेजिस्टर होते हैं, वो आप क्या करें, ओपन सर्किट पे रिप्लेस करें, ओपन सर्किट पे रिप्लेस करें। और अगर इन द फॉर्म आप सुपर मेश, तो इसमें सीरीज रजिस्टर को आप क्या करें, ख़त्म कर दें। समझ आ रही है? सो ये आपके साथ नोड वन और ये आपके साथ नोड टू आ गया, दिस इज नोड वन एंड दिस इज नोड टू। शाबाश, ये बंद तभी आ रही है। क्लास पे टाइम पे आया करें, ठीक है? आप जो मैंने आपसे क्लास स्टार्ट इसलिए शुरू स्टार्ट कर दिया कि आप लोग अक्सर लेट आते, तो आपको पता लग जाएगा कि क्लास हम आपकी इंतज़ार इतनी नहीं कर सकते, ठीक है? सो अभी ये आपको मैंने क्वेश्चन दे दिया, अभी इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं, तो कंप्यूट V1 एंड V2 इन द सर्किट गिवन बिलो। सो सबसे पहले आपने क्या करना है, एज देयर इज अ वोल्टेज सोर्स बिटवीन नोड वन एंड नोड टू, सो दे फॉर्म सुपर नोड। इस नोड वन और नोड टू के दरमियान ये इधर के वोल्टेज सोर्स है, सो इट मीन दिस इज सुपर नोड। अप्लाई केसीएल ऑन सुपर नोड, इस केसीएल पर आप क्या करें, सुपर नोड अप्लाई करें। सो I1 प्लस I2 प्लस I3 एंड प्लस I4 इज इक्वल टू
जीरो, और ये रजिस्टर में आप करंट क्या करी मत सपोज करे, क्योंकि दिस इज पैरेलल टू दिस, आपके साथ वायर है तो सारा करंट इधर फ्लो करेगा, इधर कोई करंट नहीं आएगा, तो मतलब इट विल बिहेव लाइक ओपन सर्किट, इसलिए इधर मैंने कुछ करंट एज्यूम नहीं किया। तो आप क्या करेंगे, एक करंट ये वाली आई वन आई टू, और ये एक नोड बन गया, अभी एक नोड वन और टू नोड से एक नोड बन गया, इस नोड को सुपर नोड कहते हैं, ठीक है। एंड दिस इज आई थ्री एंड दिस इज आई फोर, अगर आप लिख लें तो इस तरह लिखेंगे कि आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री प्लस आई फोर इक्वल टू जीरो, क्योंकि हमने सारी लिविंग कंसिडर किया और एंट्रिंग जीरो कंसिडर किया। नाउ सो वी ये करंट आई वन और दिस इज थ्री, सो ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो आई वन इक्वल टू माइनस थ्री, आई वन इज इक्वल टू माइनस थ्री, और ये कौन सा उल्टा होगा, वी वन डिवाइड बाई माइनस जे थ्री, और ये वोल्टेज वी टू डिवाइड बाई जे सिक्स, और ये करंट वी फोर वी टू डिवाइड बाई ट्वेल्व। फिर से देखिए, ये एक सुपर नोड बन गया, ये एक सुपर नोड बन गया, ठीक है। ये आपने क्या किया, दिस इज सुपर नोड, ये रजिस्टर खत्म हो गया, ये ठीक है। दिस इज ये आपके साथ एक नोड आ गया, जब ये आपके साथ एक नोड आ गया तो इसका मतलब यही है कि ये करंट अभी इस डायरेक्शन से ओरिजिनल में लिख सकते हैं कि माइनस आई वन प्लस आई टू, सो प्लस आई टू के वी वन डिवाइड बाई माइनस जे थ्री एंड वी टू डिवाइड बाई जे सिक्स, और ये आपके साथ आ गया। फॉर एग्जाम्पल कैसे आ गया, इसी तरह माइनस थ्री प्लस वी वन डिवाइड बाई माइनस जे थ्री वी टू डिवाइड बाई जे सिक्स प्लस वी टू डिवाइड बाई ट्वेल्व इक्वल टू जीरो। यहां तक समझ आ गया, ये इक्वेशन आपकी समझ में आ गया, ये इक्वेशन यस सर। अभी जब ये इक्वेशन समझ आ गया, अभी हम इस तरह करते हैं कि इसको हम क्या करते हैं, सिंपलीफाई करते हैं। अभी इस तरह लिख सकते हैं, वी वन डिवाइड बाई माइनस जे थ्री वी टू डिवाइड बाई जे सिक्स वी टू डिवाइड बाई ट्वेल्व इज इक्वल टू, इधर माइनस थ्री इधर आ जाएगा प्लस थ्री। अभी ये देखिए, थ्री सिक्स और ट्वेल्व, इसका एलसीएम क्या है, ट्वेल्व, सो ट्वेल्व से इधर मल्टीप्लाई कर, ट्वेल्व से इधर मल्टीप्लाई करी, तो ये आपके साथ आ जाएगा थ्री वन जार थ्री, थ्री फोर जार ट्वेल्व, सिक्स वन जार वन एंड सिक्स टू जार ट्वेल्व, ट्वेल्व वन जार वन एंड ट्वेल्व वन जार वन, और थ्री ट्वेल्व मल्टीप्लाइड इसको अगर मल्टीप्लाई तो ये थर्टी सिक्स। सो क्या आ जाएगा, इस तरह आ जाएगा, ये लिखिए उसको से मल्टीप्लाई करें तो जे फोर, और ये जे ऊपर जाएगा तो माइनस था ऊपर प्लस, तो जे फोर वी वन सिक्स ट्वेल्व डिवाइड बाई सिक्स आ जाएगा टू, ये जे इधर नीचे है प्लस है ऊपर जाएगा तो माइनस जे टू वी टू, ट्वेल्व ट्वेल्व कैंसिल तो वी टू इज इक्वल टू थर्टी सिक्स। इसको अरेंज करें, जे फोर वी वन और इसे वी वन का मान ले तो वन माइनस जे टू वी टू इज इक्वल टू थर्टी सिक्स। दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने करना है अप्लाई केवीएल ऑन सुपर नोड, आपने के अप्लाई करने सुपर नोड पर केवीएल। तो हम जाते हैं अपने सर्किट की तरफ और केवीएल इधर अप्लाई करते हैं, इधर ये देखिए दिस इज वी वन दिस इज वी टू, और ये वोल्टेज आपके साथ ये दिस इज प्लस दिस इज वन, इसका मतलब है इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, इतना पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन नोड वन एंड नोड टू कितना है, ये वन और टू के दरमियान के वोल्टेज है ना, इसका मतलब है कि इसका मतलब आपके साथ ये कि वी वन हाई पोटेंशियल है और वी टू कौन सी पोटेंशियल है, निगेटिव स्मॉलर। सो इन दोनों के दरमियान डिफरेंस बराबर आपके साथ किस चीज की, टेन माइनस 45 इन द एंगल ऑफ 45, ठीक है। v1 - v2 = 45, इस इक्वेशन का समझ आ गया, इस इक्वेशन का यस सर। नो सर
ठीक है, दिस इज नोड वन, दिस इज नोड टू. जो पेन है तुम असर. हाँ बस बिया होता गोरा. दिस इज नोड वन एंड दिस इज नोड टू. इस नोड वन पे वोल्टेज कितना है वी वन, इस नोड पे वोल्टेज कितना है वी टू. और व्हाट डज दिस शो, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन देम. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको यू यू मालूम है ये सपोज इस पॉइंट पे वोल्टेज क्या होते हैं वी वन, सपोज इस पॉइंट पे वोल्टेज वी टू है. इसका मतलब है यहाँ से लेकर ग्राउंड तक वोल्टेज वी वन, यहाँ से लेकर ग्राउंड तक वोल्टेज वी टू. अभी इन दोनों के दरमियान वोल्टेज क्या होगा, तो आप देखेंगे वी वन माइनस वी टू. अभी इधर देखिए, दिस इज वोल्टेज वी वन, दिस इज वोल्टेज वी टू. इन दोनों के दरमियान कितनी वोल्टेज है ये, इसका मतलब ये है कि वी वन और वी टू के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इतना. तो आप कैसे लिख लेंगे, वी वन माइनस वी टू इज इक्वल टू टेन एट द एंगल ऑफ 45. ठीक है, अगर इससे आपको समझ नहीं आया तो आप इस तरह लिख सकते हैं, इस तरह. ओके सर, इस तरह आप इस तरह लिख सकते हैं. ठीक है, कि इसको अगर आप इस तरह लिख लें, ठीक है, क्योंकि दिस प्लस माइनस आप लिख ली यहाँ पर वी वन, यहाँ पर वी टू एंड दिस इज अ टेन प्लस माइनस. अभी इस लूप पे अगर आप केवीएल अप्लाई करें इस लूप पे, सो इसका मतलब है वी वन आपके साथ सबसे बढ़िया ये अप्लाई करते, तो आप लिख ली वी वन इज इक्वल टू वी टू प्लस दिस वोल्टेज टेन. सर भी आप लिख सकते हैं, और इन दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस आपके साथ कितना है ये. सो इधर उन्होंने ये इक्वेशन रखी, अप्लाई द केवीएल ऑन दिस नोड. सो व्हेन देयर इज अ सुपर नोड, तो आपने पहले केसी अप्लाई करना है, लेकिन बाद में केवीएल मस्ट अप्लाई करें, बाद में केवीएल मस्ट अप्लाई करें. सो उन्होंने केवीएल अप्लाई किया होगा और इसने इस तरह लिखा होगा. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपके लिए आपने क्या करने, आपने इस तरह करने के ये ले, इसको किस चीज में लिख लें, इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स. सो कैसे लिख लेंगे, दिस टर्म इनटू वी वन वी टू इनटू दिस. समझ आ रही है, एग्जाम्पल ये लिख ली दिस दिस इंटू वी वन वी टू इंटू दिस. इधर क्या है वन वन और ये. सो आपने इस तरह इक्वेशन लिखने, वो इक्वेशन क्या होगा इधर होगा. सो जे फोर वन माइनस जे टू वन माइनस वन वी वन वी टू और ये आपका क्या गया इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स. इसका नाम दे दी ए, इसका नाम दे दी बी और इसका नाम दे दी एक्स और इसका नाम दे दी वी. समझ आ रही है यहाँ तक सर? अभी ये अभी तो आपने कर दिया क्वेश्चन, अभी ए डिटरमिनेंट आपने फाइंड करने. जी जी सर, मुझे यहाँ तक समझ आ गया, मगर सर ये जो इक्वेशन वन निकला है ना उस टाइम मेरा नेट जो है बहुत ज्यादा स्लो था, तो उस वजह से हैंग हो गया था, तो उस टाइम मुझे समझ नहीं आया. मगर इक्वेशन टू की और ये जो आपने बाकी किया इसका समझ आ गया, इक्वेशन वन की समझ नहीं आया. इक्वेशन वन का समझ गया, इक्वेशन वन का समझ नहीं आया. यस सर, उस टाइम मेरा सर नेट जो है. ठीक है ठीक है. सो इक्वेशन वन इस तरह था कि हमने ये कहा के एज द नोड वन और नोड टू के दरमियान देयर इज अ वोल्टेज सोर्स, इसका मतलब है ये सुपर नोड बन गया. दिस बिकम सुपर नोड. जब ये सुपर नोड बन गया तो ये रेजिस्टर आप क्या करी उठा ली. ये याद रखिए, व्हेन देयर इज अ पैरेलल रेजिस्टर, व्हेन देयर इज अ पैरेलल रेजिस्टर अप्लाइड टू द अपोजिट टू द वोल्टेज सोर्स, सो और ये आपके साथ सुपर नोड हो, तो आप क्या करें इस रेजिस्टर को क्या करें खत्म कर दें, आप इसको ओपन सर्किट कंसीडर करें. सो अभी इसके साथ जो इक्वेशन होगा आई वन प्लस ये जो करंट होगा आई टू, क्योंकि आपने आपको मैंने कहा था कि आप सारी लीविंग कंसीडर करें. अभी ये भी एक नोड है, ठीक है, दिस मेक
capital node, super node. So this is i3 and this is i4. Abhi aapne kya karna hai, i1 ki value likhna hai. i1 is opposite of -3, to aap likh liye -3, angle 0 hai to likhne ki zarurat nahi hai. i2 ke v1 divided by -j3 plus what is i3 ye wali. So this is v2 divided by j6 plus this is i4 v2 divided by 12. Yeah. अभी आप क्या करें, इसको सिंप्लीफाई करें. जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके साथ यही इक्वेशन आएगा. ये मैंने वो लिखे, इसको जब आप सिंप्लीफाई करें तो आपके साथ इक्वेशन 1 आ जाएगा. अभी तो हो गया ना. यस सर, अभी हो गया. और इसके बाद हमने क्या कर दिया, ये आपके साथ मैट्रिक्स फॉर्म में गया. अभी आपने क्या करना है, ए डिटर्मिनेंट फाइंड करना है. ए डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे आप, इस और इसको मल्टीप्लाई करेंगे. किस किस को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो -1 मल्टीप्लाइड बाय j4 से आ जाएगा -j4. फिर माइनस आप फार्मूले के लिखेंगे माइनस और 1 मल्टीप्लाइड बाय दिस मटेरियल. ठीक है, तो आ जाएगा इस तरह आ जाएगा. अगर आपको नजर नहीं आता इस तरह की, अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तब ये किस तरह की -1 मल्टीप्लाइड j4 से आ जाएगा -j4 माइनस फार्मूले का और 1 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग इज दिस. ये क्या अभी लिख लिया -j4 माइनस मल्टीप्लाइड बाय 1 -1 माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस प्लस j2. अभी आप इस तरह अरेंज करें, -1 पहले लिख ली और j2 और -j4 के दरमियान रिलेशन के -1 -j2. ये क्या, सो ये आपके साथ व्हाट इज दिस, दिस इज दी ए डिटरमिनेंट. आपके साथ ए डिटरमिनेंट आ गया. अभी आपने उसने क्वेश्चन में क्या कहा था, उसने कहा था कि फाइंड द v1 इन v2. तो अभी सपोज हम v1 फाइंड करते हैं तो कैसे v1 फाइंड करेंगे. v1 के लिए आप क्या करेंगे, इस b मैट्रिक्स को उठाएंगे और इस पे क्या करेंगे, इस कॉलम पे इंसर्ट करेंगे. तो आपने क्या करना है, आपने इधर इस तरह करना है के 36 और ये 1 माइनस दिस डिवाइड बाई ए डिटरमिनेंट. अभी इससे आ जाएगा 36 और ये जाएगा 1 माइनस जे 2. दिस इज इन फोलर फॉर्म. आपके साथ ये किस चीज़ में, फोलर फॉर्म में. ये किस चीज़ में, फोलर. और फोलर फॉर्म से रेक्टेंगल में आप कैसे कन्वर्ट करेंगे आपको मालूम होगा, 10 cos 45 प्लस जे 10 साइन 45. ठीक है, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते आपको ये इक्वेशन देगा. ठीक है, ये गया और ये गया. अभी आपने क्या करना है, अभी आपने इस तरह करना है कि इसको मल्टीप्लाई करें. शाबाश, इस और इसको मल्टीप्लाई करें और इस और इसको मल्टीप्लाई करें. सो -1 मल्टीप्लाई 36 आ जाएगा -36 माइनस फार्मूले का, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें. सो आप इसको कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करें, कॉम्प्लेक्स नंबर पर जाकर इन दोनों कॉम्प्लेक्स को मल्टीप्लाई कर आपके साथ ये देगा. फिर आप इससे ये माइनस करते आपके साथ ये देगा. ये तो हो जाएगा क्योंकि कैलकुलेटर से आप कर दी. मैंने अभी अपने मोबाइल में साइंटिफिक कैलकुलेटर डाउनलोड किया, मैं उससे करता हूँ. ठीक है, अगर पिछले वाले लेक्चर होंगे इसमें ये पोर्शन हम बहुत माइन्यूट रखते थे, इसको हम तकरीबन स्किप करने के बराबर था. हमको ये सारा मैथमेटिक्स आप कर दी, लेकिन मैंने कहा कि शायद आपको कोई मसला हो. जी जी موبائل کے دے نو دابا بیا دس چل بہ کہ زبا بیا نیکسٹ لاسٹ سیشن چکل منگ دیا جو باقی بتا سو واپس لاگن شی او هغه به زه د موبایل نه واخلم. نو په موبایل کې به زه تاسو سکرین ویزیبل کوم. زه به تاسو ته بیا وکړم چې تاسو به څنګه مالټیپلیکیشن کوئ. صحیح ده، د موبایل سکرین کوم. صحیح شو. ٹھیک ہے، سو یہ آپ کے ساتھ آ جائے گا. واٹ، یہ آپ کے ساتھ آ جائے گا. یہ اور اسے اگر آپ یہ مائنس کریں تو آپ کے ساتھ یہ آ جائے گا. دس از اے ڈیٹرمینٹ. ابھی اس کو اس سے ڈیوائڈ کریں. ठीक है, इसको इससे डिवाइड करें.
सो ये आपको ये देगा 8.6 माइनस 24.3 आयोटा। इसको अगर आप पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करें तो आपके साथ जो कैलकुलेटर है वो पावरफुल कैलकुलेटर है, वो डायरेक्ट कन्वर्ट करते हैं। इस तरह अगर आप मैनुअली करें तो थोड़ा टाइम लेते हैं, ठीक है। आर पॉइंट करेंगे, थीटा पॉइंट करें, आपके लिए फार्मूली में लिख गया था। लेकिन इफ़ यू वॉन्ट टू पावरफुल कैलकुलेटर तो ये डायरेक्ट पोलर में कन्वर्ट करते हैं। तो इसने पावरफुल कैलकुलेटर ने डायरेक्ट कन्वर्ट किया 25 माइनस सी होती। ये गया वी टू के लिए, आपने क्या करना होगा फॉर वी टू, वी टू के लिए आपने इस तरह करना होगा कि आपने वी टू इस तरह लिखना होगा। इसके लिए आप ये वाली पोर्शन अपनी प्लेस पे लिख लीजिए, फोर वन, ये जो पोर्शन है, जो दूसरा क्या है कॉलम है, इसको आप इससे रिप्लेस करिए बी से, वो क्या होगा 36 एंड दी 36 एट द एंगल ऑफ 10, और 10 को आप इस तरह भी लिख सकते हैं 7.07 प्लस 7.07 आयोटा भी पोलर फॉर्म में कन्वर्ट डिवाइड बाय ए डिटरमिनेंट। जब ए डिटरमिनेंट आ गया तो आपने इसको अगर सॉल्व करें तो आपके साथ दूसरा इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। सो ये आपका था सुपर नोड, ये आपके साथ था सुपर नोड, दैट हाउ यू विल सॉल्व द सुपर नोड। क्वेश्चन का मतलब ये है कि आप सुपर नोड जानी और साथ में सुपर नोड का एक क्वेश्चन सॉल्व करना सीखे कि हाउ यू विल सॉल्व द सुपर नोड क्वेश्चन। सो सुपर नोड क्या होते हैं, सुपर नोड वो नोड होते हैं के दरमियान वोल्टेज सोर्स आ जाए। हाउ यू विल सॉल्व, आपने केसीएल अप्लाई करना है हर नोड पे और सुपर नोड पे, इसके बाद आपने केवीएल अप्लाई करना होगा। सो ये आपके साथ आ गया। ये याद रखिए कि आपको मैंने अभी तक एक असाइनमेंट दिया था और आपने वो भी अभी तक सबमिट नहीं किए। सो दिस इज योर सेकंड असाइनमेंट, कंप्यूट वी वन एंड वी टू। इस सर्किट में आपने वी वन और वी टू को फाइंड करना है। एंड व्हाट इज दिस, ये आपके साथ रजिस्टर है, रजिस्टर मतलब दिस इज ओम, आपके साथ इस तरह रजिस्टर है। रेस का मजा, ये आपके साथ रजिस्टर है। इधर मुझसे कुछ गलती हुई थी तो फिर मैंने सही, आपके साथ रजिस्टर है और इसकी वैल्यू इतनी ओम है। ये दिस इज नोड वन, दिस इज नोड टू, इधर वोल्टेज होगा वी वन, इधर वोल्टेज होगा वी टू, एंड एट मेक अ सुपर नोड। आपने क्या करना होगा, इस करंट किस तरह ली, इस करंट किस तरह ली, इस करंट किस तरह ली, इस तरह से I1 plus I2 plus I3 plus I4 is equal to 0. What is this? V1 minus 30 divided by 4, V1 divided by J4, V2 divided by this, and V2 divided by this. ये एक equation आ गया, दूसरा equation आता है V1 minus V2 is equal to 0. दूसरा equation आ गया, and solve this. मतलब तो solve हमको, हाँ? सिर्फ ताकि वो simplify गई. समझ आया? Yes, sir. So, yes, sir. This is your second assignment, ठीक है? So आप please assignment one और assignment two कर दे। Coming class तक दोनों का दोनों assignment अगर आप कर दे तो अच्छा होगा, ठीक है? Mail thank you sir. Inshallah sir. Email बाद तब जब वो लाने के share कम सही है? Okay. Yes sir. समझ आया? Email वाले पहले miss किया। Excuse me sir. पहले miss वाले तो चल याद दे।